hello students welcome to online english classes today we will start lesson number 8 from our english grammar book in this chapter we will study about prepositions so first of all let us understand what is preposition preposition hoti kya hai preposition are words that show the relationship of a noun or pronoun with some other words in a sentence प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप बताते हैं प्रपोजोजिशन आर वर्ड्स प्लेसड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस और जो प्रपोजिशन होती है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाती हैं मतलब उनके आगे लगाई जाती है सम कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस आर कॉमनली जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं अबब बिलो इन ऑन एट ओवर अंडर अमंग बिटवीन बिसाइड इन फ्रंट ऑफ फोर टू सिंस फ्रॉम बिफोर आफ्टर इट टू अंटिल बाय ऑन टू बिहाइंड विद नेक्स्ट अगेंस्ट ऑफ इन द मिडल ऑफ ड्यूरिंग ऑफ तो वो हमारी क्या थी वो हैं प्रपोजिशंस ओके नाउ सी दिस सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इट्स बीन स्नोइंग सिंस क्रिसमिस मॉर्निंग सो सिंस इज प्रेपोजिशन हेयर इट इज़ कनेक्टिंग दिस विद क्रिसमस मॉर्निंग तो ये क्या है इसका लिंक बता रही है इसके साथ इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड सिंस सो दिस इज प्रेपोजिशन अकबर रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर सो अकबर इज द नाउन ठीक है ओवर अ वास्ट एम्पायर तो ये क्या है अकबर क्या है एक बहुत बड़े अंपायर अकबर ने एक बहुत बड़े अंपायर पे रूल किया तो ये इसका इससे रिलेशनशिप बताता है सो ओवर इज हेयर अ प्रेपोजिशन वी विजिटेड द जॉग फॉल्स ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज हमने जॉग फॉल विजिट किया कब किया ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज सो इट इज़ कनेक्टिंग जॉग फॉल इज़ बींग कनेक्टेड विद समर हॉलीडेज बाय द वर्ड ड्यूरिंग सो ड्यूरिंग इज हेयर प्रेपोजिशन द चिल्ड्रेन आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल कंसर्ट बच्चे बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं स्कूल कंसर्ट के बारे में तो जो वर्ड अबाउट है ये क्या है चिल्ड्रन्स को स्कूल कंसर्ट के साथ में कनेक्ट करता है नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द हाईलाइटेड वर्ड्स दीज आर प्रेपोजिशन सो यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं प्रपोजिशंस हैं ओके सो बेसिकली प्रेपोजिशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स

मतलब कि आपस में उनका एक दूसरे से रिलेशन बताया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर सो नाउन ही इज़ द नाउन ही इज़ द प्रोनाउन ओके ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर ये कहाँ खड़ा है डोर पे खड़ा है सो इट इज़ प्रापोजिशन ऑफ प्लेस ये जगह के बारे में बताया द कार कीज़ आर कैप्ट ऑन द टेबल कार के कीज कहाँ पे हैं टेबल पे हैं तो ये क्या है प्रापोजिशन ऑफ प्लेस द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द चेयर डॉग कहाँ सो रहा है चेयर के नीचे सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि हमें जगह के बारे में बता रहा है नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स वेन और हाउ लॉन्ग समथिंग अकर्ड और विल अकर प्रपरेशन ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई चीज़ कितने टाइम के लिए हुई है और आगे कितने टाइम के लिए फर्दर होगी ही हैज़ अ हॉलीडे ऑन संडे उसकी हॉलीडे है कब है संडे को है वी हैव टू गो फॉर डिनर एट एट ओ हमें डिनर के लिए जाना है कब जाना है एट ओ क्लॉक आई वॉज बॉर्न इन फेबररी मैं पैदा हुआ कब हुआ फेबररी में सो दिस इज टेलिंग अस अबाउट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ वेयर और इन वट वे समथिंग और सम वन मूव्स प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताता है हमें कि कोई चीज़ कैसे कहाँ और किस तरीके से इन वॉट वे समथिंग और सम वन मूव की कोई चीज़ कैसे जा रही है जो कि डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है सीधा एग्जाम्पल रॉय गॉट इंटू द कार रॉय कार में बैठ गया ही रश टूवर्ड्स दैम वो उनकी तरफ गया आई हैव टू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर मुझे जाना है कहाँ ग्रॉसरी स्टोर सो इंटू टूवर्ड्स टू ऑल दीज आर preposition of direction okay so i hope you have understood the prepositions now worksheets are given do it yourself okay thank you